हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स ओनली। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स की जो जीके सेक्शन में आपके क्वेश्चंस आते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगी, और उसके साथ साथ जो अब तक एसएससी जेई एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं वो सारे के सारे फिजिक्स के एमसीक्यू जो हैं इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और इसके बाद जो है मैं फ्रॉम दिस वीडियो ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट द फिज़िक्स की सीरीज़ फॉर जीके, जिसमें कि मैं सारे एमसीक्यूज़ जो और बन सकते हैं फिज़िक्स पे और पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस करूँगी। वो आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगी, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो में वो तो इम्पॉर्टेंट हैं ही हैं, लेकिन कभी भी जनरल नॉलेज में आप स्पेसिफिकली ये नहीं कह सकते कि जो क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज इट इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट। तो इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो एमसीक्यूज़ मैं जो है आने वाले फिजिक्स के वीडियो में बताऊँगी आपको, और आप उनको ज़रूर देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है फिजिक्स में से ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो रीजनिंग का सेशन चल रहा है हमारा एसएससी जेई के लिए स्पेसिफिकली और जीके के लिए, उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अलोंग विद लियो जिलार्ड हु वाज द अदर फिजिसिस्ट टू होल्ड द फर्स्ट पेटेंट फॉर अ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो आंसर है आपका एनरिको फर्मी। इसमें जो रदरफोर्ड है ये साइंटिस्ट, ही इज फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, एंड he also identified that alpha particles are nothing but a helium nuclei। तो helium nuclei की composition same होती है alpha particle के लिए, ये identify किया था, और alpha beta particles discover किए थे Ernst Rutherford ने, and he got Nobel Prize in 1908 for the theory of atomic structure। तो Nobel Prize मिला था इनको for the theory of atomic structure के लिए 1908 में। जो एडमंड बैक्वेरल हैं ही इज़ फेमस फॉर डिस्कवरिंग फोटोवोल्टेक इफेक्ट, तो फोटोवोल्टेक इफेक्ट के लिए और ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ सोलर सेल के लिए जो है एडमंड बैक्वेरल फेमस है। मेंडेलीव इज़ फेमस फॉर डिस्कवरिंग द पीरियोडिक टेबल, रादर इन्वेंटिंग द पीरियोडिक टेबल। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज, सिंपल फॉर्मूला है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका जो रिप्रेजेंट करता है मास रिप्रेजेंट करता है, टॉर्क आपका फोर्स रिप्रेजेंट करती है, और एंगुलर एक्सेलरेशन आपका कॉरस्पॉन्ड है लीनियर एक्सेलरेशन के। तो एक्सेलरेशन आपका फोर्स अपॉन मास होता है, तो उसी हिसाब से एंगुलर एक्सेलरेशन आपका टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। इस तरह के सारे क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो मैं अपने आने वाले वीडियो में डिस्कस करूंगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। सिंपल कॉम्पैक्ट फॉर्म में एमसीक्यूज़ में मैं सारा आपका फिजिक्स जो है डिस्कस करूंगी। ये मैंने आपको बता ही दिया है, प्लेन मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर्स ओनली प्रोड्यूस वर्चुअल इमेजेस, ओनली कनकेव मिरर इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रियल इमेज, एंड दिस ओनली अकर्स इफ द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर्स सरफेस। इनकी इमेजेस के बारे में और भी बहुत सारी आपको इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी, बट नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स आज हम सिर्फ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं बताएंगे, डिस्कस करेंगे। हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन इन 1932 व्हाइल वर्किंग एट कैवेंडिश लेबोरेटरी, तो जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड इट। रदरफोर्ड के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। कार्ल डी एंडरसन इज फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ पॉजिट्रॉन, जिसके लिए उन्हें फिर से नोबेल प्राइज़ मिला है 1936 में। 1932 में इन्होंने डिस्कवर किया था पॉजिट्रॉन, और उसके लिए इन्हें 1936 में नोबेल प्राइज़ मिला था, और 1936 में ही आल्सो डिस्कवर्ड म्यून। तो म्यून और पॉजिट्रॉन दोनों की ही डिस्कवरी जो है वो कार्ल डी एंडरसन के नाम पे है। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर, तो आयनोस्फेयर जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करता है रेडियो वेव्स को। तो देखिए इस जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उन पे अलग अलग लेयर में अलग अलग काम होते हैं, तो इन पे क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चार क्वेश्चन तो मैं इसी वीडियो में डिस्कस कर दूंगी, इसके अलावा भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो जो आपकी ट्रोपोस्फेयर है वो पहली लेयर है, अगर हम अर्थ की सरफेस से देखें तो इट इज़ द फर्स्ट लेयर, एंड इट कंटेन्स हाफ ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, और वेदर चेंजेस जो हैं वो इस लेयर में होते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वेदर चेंजेस अकर्स इन विच लेयर, तो वो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। इसी तरह ये भी पूछा जाता है कि ओजोन लेयर कौन सी लेयर में लोकेटेड है, तो वो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में लोकेटेड है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, वो सारे मैं आने वाले वीडियोज में आपको बता दूंगी। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 2π √L/g
ये फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए. वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड वेव्स इज स्मॉलर देन, तो देखिए वेवलेंथ के हिसाब से ये डायग्राम है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा. ये विजिबल राइट विजिबल लाइट आपकी विबग्योर है, तो विबग्योर जो है वो भी इंक्रीजिंग वेवलेंथ के हिसाब से नाम रखा गया है. वॉयलेट की सबसे कम और रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ. और आपको पता होना चाहिए कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो अगर वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है इस तरफ तो फ्रीक्वेंसी जो है आपकी इस तरफ इंक्रीज कर रही है, यानी कि फ्रीक्वेंसी राइट तरफ जाते हुए डिक्रीज कर रही है. तो वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड कहाँ आती है आपकी, इंफ्रारेड आती है रेड के बाद. तो इंफ्रारेड की वेवलेंथ जो है वो किससे छोटी है, वो रेडियो वेव से छोटी है, तो विजिबल लाइट से बड़ी है. अल्ट्रा वायलेट रेज आपकी यहाँ पे हैं तो वो उससे भी बड़ी है, एक्स रेज यहाँ हैं उनसे भी बड़ी है, तो रेडियो वेव से छोटी है. तो ये डायग्राम आप दिमाग में बिठा लीजिए और ये इतनी वेव्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. एग्जैक्ट ना पता हो के एग्जैक्ट वेवलेंथ क्या है वो शायद ना भी पता हो, बट एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कौन सी ज़्यादा है और कौन सी कम है. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. फाइंड द लोकल लेंथ, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. तो अगेन 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. एंड अगेन कनकेव मिरर है तो हम ये मान के चलेंगे, क्योंकि फोकल लेंथ तो नहीं दे रखी है, तो हम ये मान के चलेंगे कि इमेज जो है वो रियल ही बनी है. तो उस केस में दोनों ही पॉजिटिव होंगे आपके, वी भी और यू भी. तो 1/20 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/f. सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर. हाउ फार शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 4.8 सेंटीमीटर व्हेन द इमेज इज टू बी ऑब्टेन्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. तो 4.8 सेंटीमीटर आपकी फोकल लेंथ दे रखी है और इमेज का डिस्टेंस जो है वो 12 सेंटीमीटर दे रखा है. अगेन अब आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करेंगे. तो अगेन वी रियल इमेज है तो पॉजिटिव लेंगे आप वी को. तो 1/u प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/4.8. फोकल लेंथ भी कॉनकेव मिरर के केस में पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में नेगेटिव लेते हैं. सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर. ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक्स प्लेस इन ट्रोपोस्फियर. फोनोग्राफ वॉज इन्वेंटेड बाय विच साइंटिस्ट. तो इट वॉज इन्वेंटेड बाय थॉमस एडिसन. अलेक्जेंडर ग्रहम बेल ने क्या डिस्कवर किया था, इन्होंने टेलीफोन डिस्कवर किया था. और जॉर्ज ईस्टमैन वॉज द फाउंडर ऑफ ईस्टमैन कोडेक कंपनी, जो कि फोटोग्राफी से रिलेटेड कंपनी है. द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास एम परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो टी इज इक्वल टू 2π√m/k. इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. और जितने भी तरह के टाइम पीरियड के फॉर्मूले बन सकते हैं वो पूछे जा सकते हैं, वो सारे फॉर्मूले मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी. इन 1934 हु इन्वेंटेड द साइक्लोट्रॉन. तो साइक्लोट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय अर्नस्ट ओ लॉरेंस. हु हैज़ अ वेवलेंथ रेंज ऑफ 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर. तो ये वेवलेंथ रेंज आपकी विजिबल लाइट की है. विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉम्सन. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय 1/2 kx². तो आपका आंसर जो है वो फर्स्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डीके. तो गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर. तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ इज 1/2 of the radius of curvature. तो फोकल लेंथ आपकी यानी 30 सेंटीमीटर दे रखी है. कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव होगी. हाउ फार इज द इमेज फॉर्म फ्रॉम द मिरर. वी बताना है आपको. यू इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो 1/15 प्लस 1/v इज इक्वल टू -1/30. सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, वी आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर. What is the correct relationship between frequency and time period? तो पता ही है आपको frequency is 1/T. तो f into t is 1.
The electrostatic precipitator has electrode wires that are maintained at several thousand volts. It produces which of the following to release electrons? तो उसे कोरोना कहते हैं. Which of the planets has no satellite? तो Venus does not have any satellite. Universe से related और atmosphere से related बहुत ही ज़्यादा questions जो हैं वो आते हैं. ये दोनों ही topic के जितने भी MCQ बन सकते हैं वो सारे मैं अपने next video में cover करूँगी. आप उस video को ज़रूर देख लीजिएगा. Which of the following electromagnetic waves can be detected using Giga tube? तो आपका answer है gamma rays. An object is placed at 10 cm in front of the concave mirror of radius of curvature 12 cm. तो radius of curvature तो focal length हो गई 6 cm. तो again इसको आप solve कर सकते हैं. Answer आपका 15 cm है. Who is universally credited with inventing the barometer? तो barometer जो है वो Torricelli के नाम है इसकी invention. A plumb bob is hanging from the ceiling of a car. तो ये आपकी car की सीलिंग से जो है बॉब आपका हैंग कर रहा है. तो एक तो जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगी और एक उसकी एक्सेलरेशन की वजह से जो कार की एक्सेलरेशन है उसकी वजह से ये एक एंगल बन जाएगा थीटा. तो देख लीजिए आप ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसका परपेंडिकुलर साइड ए है और बेस जो है वो जी है. तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाय जी. तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाय जी. By increasing the intensity of incident light on the surface, the photoelectric current increases. ये आपका graph होता है intensity के साथ. ये आपका current है photoelectric current. तो it always increases with intensity. The phenomena of light splitting into seven distinct colors. इसके बारे में और भी बात करूँगी क्योंकि voltage के साथ जो है इसका current की variation भी पूछी जाती है जो कि आपकी यूं जाके फिर सैचुरेशन हो जाती है. तो इससे रिलेटेड और भी कई क्वेश्चंस हैं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. वो भी मैं आने वाले वीडियो में डिस्कस करूंगी आपको. द फिनोमेना ऑफ लाइट स्प्लिटिंग इनटू सेवन डिस्टिंक्ट कलर्स व्हेन पासिंग थ्रू प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्जन. अ ब्लॉक प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. तो एक इंक्लाइंड प्लेन पर अगर एक ब्लॉक पड़ा है तो उस पर कौन कौन सी फोर्सेज लगती हैं और फ्रिक्शन के क्या फॉर्मूले होते हैं पूरा आपको मैं कुछ भी जो टाइम कंज्यूमिंग वे में नहीं करवाने वाली हूँ. सब कुछ आपको मैं एमसीक्यूज की वे में करवाऊंगी. तो कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उसका होता है टेन थीटा. व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू वाटर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज. अब जो है ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा वाटर अगर आप उसमें सॉल्ट डाल देंगे तो. द हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज मेजर्ड यूजिंग अ पी एच मीटर. पी एच में एच स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन. अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स. तो देखिए वर्टिकल मोशन और डाउनवर्ड मोशन हर केस में एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा एक है आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो एक्सेलरेशन चाहे हाईएस्ट पॉइंट हो चाहे बीच में कहीं भी हो जब तक नीचे बॉडी आके रेस्ट नहीं करती तब तक जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आपकी जी है एंड इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड. तो चाहे हाईएस्ट पॉइंट हो चाहे बीच में कोई भी पॉइंट हो द एक्सेलरेशन इज जी ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू मेजर टाइम इनसाइड अ सैटेलाइट. तो पेंडुलम क्लॉक कैन नॉट बी यूज. व्हाई? बिकॉज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन अ सैटेलाइट बिकम्स इनफाइनाइट. तो अब इनफाइनाइट क्यों हो जाता है क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है आपका होता है 2π√L/g. तो जी तो आपकी हो गई जीरो सैटेलाइट के अंदर तो इसलिए टाइम पीरियड जो है वो हो जाता है इनफाइनाइट. पेनिट्रेटिंग पावर इज लीस्ट इन केस ऑफ अल्फा रेज. तो आप देख सकते हैं अल्फा रे जो है वो पेपर को भी पेनिट्रेट नहीं कर पाती. फिर उसके बाद बीटा रे है फिर उससे ज़्यादा पेनिट्रेशन होती है एक्स रेज और गामा रेज की इक्वल होती है उन दोनों की. और फिर न्यूट्रॉन रेज होती हैं जो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिव होती है. तो ये सीरीज होती है इसको ध्यान रखिएगा. ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि अल्फा रेज कैन नॉट पेनिट्रेट इवन थ्रू पेपर और बीटा रेज कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू थिन प्लेट्स मेड अप ऑफ वुड एंड एल्यूमिनियम. तो ये भी कई बार पूछा जाता है तो ये भी ध्यान रखिएगा. व्हाट विल हैपन टू द टेम्परेचर ऑफ अ क्लोज्ड रूम इफ द रेफ्रिजरेटर इनसाइड इज स्विच. बहुत पूछा जाता है आपको लगता है भाई हमने जो है एक रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया तो ठंडक बाहर आ जाएगी कमरा ठंडा हो जाएगा. नहीं उल्टा होता है कमरा गर्म हो जाता है.
तो बिकॉज इट स्टार्ट्स एक्टिंग एज दी सिंक ऑफ दी हीट. इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे लेकिन अगले वीडियो में. द सन एंड मून अपीयर्स एलिप्टिकल नियर दी होराइजन ड्यू टू रिफ्रैक्शन. ये सारे ही फिनोमिना जो हैं डे टू डे लाइफ में जो हैं आप ऑब्जर्व करते हैं अलग अलग चीज़ों में, ये सारे ही पूछे भी जाते हैं कि ये पर्टिकुलर फिनोमिना मिराज फॉर्मेशन किस वजह से होती है, या स्काई ब्लू क्यों लगता है, या सोप बबल मल्टी कलर्ड क्यों लगते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं. तो उनके क्या क्या प्रोसेस है उनके पीछे, वो सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी अगले वीडियो में. प्रिंसिपल प्लेन इज़ द वन विच कैरीज नो शियर स्ट्रेस एंड मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस. तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच प्लेन कैरीज मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस. तो प्रिंसिपल प्लेन कैरीज मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एंड जीरो शियर स्ट्रेस. हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. इसका जो ग्राफ है वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी. द प्लैनेट्स मरकरी वीनस अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स. इसके बारे में ये सारे प्लैनेट्स कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में. थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर हेयर इज जनरली मेजर्ड इन माइक्रोन. माइक्रोन का मतलब होता है माइक्रोमीटर. तो दिस इज मोर सूटेबल यूनिट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी. न्यूक्लियर फ्यूजन. हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स हीलियम. ये प्रोसेस हो रहा है आपका सोलर एनर्जीज की वजह से जो है प्रोड्यूस होती है. इन नॉर्मल इलेक्ट्रिक डोर बेल वी यूज यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट. विच टाइप ऑफ लेंस इज यूजली प्रिस्क्राइब टू द पीपल सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइटेडनेस. तो देखिए शॉर्ट साइटेडनेस क्या होती है आपकी. शॉर्ट साइटेडनेस होती है जिसमें आप पास की चीज़ देख सकते हैं बट दूर की नहीं देख सकते, यानी कि दूर की नज़र आपकी कमज़ोर है. तो इसको मायोपिया भी कहते हैं. और ये किससे ठीक होती है, ये कॉनकेव लेंस से आपकी जो है ठीक होती है. और इसमें क्या होता है कि आपके जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं उनकी इमेज जो है आपकी रेटिना से पहले ही बन जाती है, तो रेटिना तक पहुंच नहीं पाती. इस वजह से आपकी शॉर्ट साइटेडनेस होती है, यानी कि दूर की नज़र कमज़ोर हो जाती है. इससे ऑपोजिट जो होता है वो होता है आपका फार साइटेडनेस, जिसको जो है हाइपर मायोपिया भी कहा जाता है, हाइपरोपिया भी कहते हैं. तो इसमें जो है आप पास का नहीं देख सकते. जनरली एज जैसे जैसे बढ़ती है तब ये प्रॉब्लम होती है. तो इसमें आप पास का नहीं देख सकते, दूर का देख सकते हैं. तो इसके लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, इसको ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है. और इसमें क्या होता है, जो आपके पास के ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी इमेज जो है वो रेटिना से आगे बन जाती है, बिहाइंड द रेटिना बनती है, यानी कि यहाँ बनती है. शॉर्ट साइटेडनेस में इमेज यहाँ बनती है दूर की चीज़ों की, और फार साइटेडनेस में इमेज जो है पास की चीज़ों की रेटिना के पीछे बनती है. तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा. एट विच टेम्परेचर विल वाटर बी हैवीएस्ट. तो इट विल बी हैवीएस्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे जो डेंसिटी है वाटर की वो मैक्सिमम होती है. और ये आपको पता होगा कि जितने भी लिक्विड्स होते हैं जब हम उनको सॉलिडिफाई करते हैं या जो कूल करते हैं उनको, तो उनकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ करती है क्योंकि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ करता है. बट वाटर इज़ एन एक्सेप्शन. वाटर की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ करता है ऑन कूलिंग. तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा. इन एन एटॉमिक एक्सप्लोजन एनॉर्मस एनर्जी इज रिलीज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी. मास इफेक्ट इज़ द फिनोमिना जिसकी वजह से, मास डिफेक्ट इज़ द फिनोमिना जिसकी वजह से एटॉमिक एक्सप्लोजन में एनर्जी इंक्रीज होती है. टू कंडक्टिंग पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो दो वायर्स हैं, एक का करंट का डायरेक्शन ये है, एक का ये है. तो क्या होगा, रिपेल करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, तो ये रिपेल करेंगी. और अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो दे विल अट्रैक्ट. द सोल्डर यूज फॉर कनेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कंसिस्ट ऑफ लेड एंड टिन. इनको भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी. द लार्जेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर. एस्ट्रियर बेल्ट इज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. इसके अलावा जोवियन प्लैनेट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं, वो सब पूछे जाते हैं. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज यूज टू मेजर हार्ट बीट. विच टाइप ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय अ बैटरी. तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. विच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. तो डायनमो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. वोल्ट मीटर क्या करता है, इट मेजर्स द वोल्टेज. ट्रांसमीटर, इट ट्रांसमिट्स द पावर.
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पियर। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो क्योंकि आप एसएससी जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैं ये मान के चलूँगी कि आपको यूनिट्स जो हैं वो अच्छे से आती होंगी, बट इन केस आप रिवाइज़ करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो जो है एक बहुत छोटा सा वीडियो बना रखा है, काफ़ी पहले बना दिया था, जिसमें जो है मैंने यूनिट्स डिस्कस की हुई हैं, तो वो आप चाहें तो देख लीजिएगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी। उसको मैंने एसएससी जेई की प्लेलिस्ट में डाल दिया है। द ऑपरेशन ऑफ शार्पनिंग अ ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड ड्रेसिंग। और इसी में एक और फिनोमिना होता है ट्रूइंग। उसका क्या मतलब होता है? ट्रूइंग द व्हील मेक्स द ग्राइंडिंग सर्फेस पैरेलल टू द ग्राइंडिंग टेबल। तो ग्राइंडिंग टेबल के ऊपर जो सर्फेस पैरेलल, ग्राइंडिंग सर्फेस को पैरेलल करने का जो प्रोसेस है टू द ग्राइंडिंग टेबल, उसे ट्रूइंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे आपको 100% आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन चूज़ कर लीजिए, नहीं तो आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। अब इसके बाद से मैं अपना फिजिक्स का सेशन जो है शुरू कर दूँगी, और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs जो हैं और बन सकते हैं, ये तो वो सारे थे जो आज तक पूछे गए हैं, पर और भी जो बन सकते हैं और पूछे जा सकते हैं, और बहुत चांसेस है कि इन जो नए क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, तो वो आप जो है आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।